सियाचिन ग्लेशियर में 1984 से भारत और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने। यह विश्व की सबसे ऊंची रणभूमि है और यहाँ के कुमार पोस्ट पर पहली महिला ऑफिसर के तौर पर तैनाती हुई है कैप्टन शिवा चौहान की। कैप्टन शिवा उसी फायर एंड फ्यूरी कोर की जावांज अधिकारी हैं जिसने 2020 में गलवान घाटी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों से लोहा लिया था, जिसमें हताहत हुए चीनी जवानों की संख्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आज तक नहीं बता पाई। सियाचिन में शुरू से भारतीय सेना मजबूत स्थिति में रही है और अब पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे करने के लिए भारतीय सेना ने भारत की नारी शक्ति को मैदान में उतार दिया है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर अब एक महिला ऑफिसर भी पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे करेगी। कैप्टन शिवा चौहान भारतीय सेना की ऐसी पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जो 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर तैनात की गई हैं। देश की रक्षा के लिए उनका हौसला जितना ही बुलंद है, वो जिस 14वीं कोर से जुड़ी हैं उसके नाम में भी दुश्मन उसी तरह से खौफ खाते हैं। फायर एंड फ्यूरी कोर के नाम से मशहूर सेना का यह कोर गलवान घाटी की घटना के दौरान भी खूब चर्चा में आया था, जिसके कहर से आज भी चीनी सैनिक सिहर उठते हैं। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर की पहली महिला ऑफिसर कैप्टन शिवा चौहान को सक्रिय तौर पर कुमार पोस्ट में तैनात किया गया है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर ने एक ट्वीट करके कैप्टन शिवा चौहान की तस्वीरों के साथ एक ट्वीट किया है। यह सिर्फ कैप्टन शिवा चौहान के लिए नहीं बल्कि पूरे देश और यहाँ की नारी शक्ति के लिए गौरव का पल है। इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कोर ने अपने ट्वीट में लिखा, फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन शिवा चौहान, कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर ऑपरेशनली तैनात की जाने वाली पहला महिला ऑफिसर बन गई। ट्विटर पोस्ट की शुरुआत ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग वाक्य से हुई है। जाहिर सी बात है कि इस चुनौती वाली पोस्टिंग से पहले कैप्टन शिवा को बहुत ही कठोर परीक्षण से गुजरना पड़ा था। बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, जहां 1984 से भारत और पाकिस्तान की फौज आमने सामने है और लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। सियाचिन ग्लेशियर के जिस कुमार पोस्ट में तैनात रहकर कैप्टन शिवा चौहान मातृभूमि की रक्षा करेंगी, 15,632 फीट की ऊंचाई पर है। सितंबर 2022 में 8 दिव्यांगों की एक टीम ने इस स्थान पर पहुंचकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। बता दें कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की रक्षा की जिम्मेदारी लेह स्थित सेना की 14वीं कोर पर है। भारतीय सेना की इसी कोर को फायर एंड फ्यूरी के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 2.5 साल पहले पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत देकर भी चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाने वाले वीर जवान इसी फायर एंड फ्यूरी कोर से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि इस कोर के नाम से ही इसकी वीरता के शौर्य की झलक मिलती है। फायर का अर्थ होता है आग और फ्यूरी का अर्थ है प्रचंड। भारतीय सेना की 14वीं कोर नॉर्दर्न कमांड का हिस्सा है, जिसका मुख्यालय उधमपुर में है। फायर एंड फ्यूरी कोर पर चीन से सटे LAC और पाकिस्तान से सटी सीमा के अलावा सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा का भी जिम्मा है और इसीलिए कैप्टन शिवा को कुमार पोस्ट पर ड्यूटी दी गई है। यह कोर अपनी वीरता के लिए इस कदर विख्यात है कि गलवान की घटना के बाद जब PM नरेंद्र मोदी लद्दाख पहुंचे थे तो उन्होंने इसके बारे में कहा था, भारत माँ के दुश्मनों ने आपकी आग और प्रकोप को देखा है। मंगलवार को ही फायर एंड फ्यूरी कोर ने अपने ट्विटर हैंडल से जवानों की चुनौती देने वाला एक वीडियो भी शेयर किया। इसके साथ ही उसमें लिखा, कुछ घोड़े आपकी परीक्षा लेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे और कुछ आपसे कुछ बेहतर खोज निकालेंगे। इसमें आगे लिखा कि पटियाला ब्रिगेड के घुड़सवार टांगे फैलाकर जांस्कर टट्टू बर्फ से जमे हुए रेगिस्तान में उनके साथी से -30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में 2023 नौ वर्ष में प्रवेश किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।